कोरोना वायरस के हवाले से और उससे पैदा होती सूरत हाल के हवाले से आवाम की लापरवाही का यह नतीजा है कि शहर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। काबीना कमेटी ब्राय इस्तेदादे कोरोना ने शहर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की बाकायदा मंजूरी दे दी है। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताएगा कौन से 13 इलाके हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जाने की मंजूरी दी जाएगी? ज़्यादा कोरोना कमेटी बराए कोरोना का जो इजलास जो है वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में, और इस इजलास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तरफ से मुख्तलिफ लाहौर समेत पंजाब में जो कोरोना केसेस के बढ़ने के हवाले से स्टेट्स जो हैं वो शेयर किए गए। उसके साथ ही लॉकडाउन के हवाले से भी मुख्तलिफ प्रपोजल जो हैं वो दी गई और इलाकों की निशानदही की गई जहाँ पर कोरोना केसेज आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो नाम दिए गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से, उसमें अनारकली, मजंग, गुलशन रावी, DH, FA6L और सेक्टर शामिल है। उसमें अस्करी 11 के कुछ इलाके वहाँ पर लॉकडाउन का कहा गया है और इसके साथ ही कलवी ग्राउंड है, DHA ब्लॉक है और HBFC सोसाइटी में B ब्लॉक है और इसके साथ ही न्यू मुस्लिम टाउन में C ब्लॉक में लॉकडाउन के हवाले से कहा गया और रजा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, ये जो न्यू मुस्लिम टाउन में वहाँ पर लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा और गार्डन टाउन में टीपू ब्लॉक और बाबर ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आज बाकायदा इस्तादे कमेटी बराए कोरोना की तरफ से अप्रूवल दी गई। अब इसका इतलाक कब से होगा? इसका इतलाक के हवाले से इसराइल ने कहना है कि वज़ीर पंजाब ने तो मंजूरी दे दी है लेकिन महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके बाद इसका बाकायदा इन इलाकों में इतलाक होगा और पिछली जो प्रैक्टिस चलती रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह कोरोना SOPs को फॉलो वहाँ पर जो लॉकडाउन। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे।